सर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के कई कॉमेडियंस को हम देख चुके हैं, हाँ उसमें चार्ली चैपलिन प्रमुख रहे हैं। जी 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 लेकिन उसी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की एक जोड़ी ऐसी थी हाँ। जिसने कॉमेडी के दौर में तहलका मचाया था, और इनका नाम है लॉरेल एंड हार्डी। तो आज आप, मैं चाहता हूँ पहली बार इनकी कॉमेडी भी देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा बाबू भाई, ये जो लॉरेल हार्डी है, ये शब्द और ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ कॉमेडी की दुनिया में, क्योंकि मैंने एक दूसरे कॉमेडी को देखा अच्छे दौर में, रंगीन वाले में, वो उसको उसकी कॉमेडी को देखी, उसका नाम ध्यान नहीं रहा, इसके आगे से दांत ऐसा छितरा रहता है, हंसता बहुत था वो, जो एक मांस वाली, हरी वाली मांस पिक्चर में आया था वो, उस बंदे को देखा, वो कॉमेडी कर रहा, शानदार था वो कॉमेडी। लेकिन अब क्या है कि अब ये जो कॉमेडी का नाम अब चार्ली चैपलिन का नाम दिया उन्होंने सर ने, ये जो अपन ने देख लिया, अब ये कौन सी कॉमेडी है जो आज इसको भी देखते हैं। अब सर क्या है कि आपने जो वीडियो बताई तो सर ये वाकई वो चीज़ होगी जो हमारे नजरों से नहीं गुजरी होगी, नहीं गुजरी होगी ये बस। लगाओ दिखा सर, देखते हैं क्या इनकी क्या कला करी। अच्छा संगीत वही बज रहा है बाबू, वो अंग्रेज, वो अंग्रेज इंग्लैंड वाला। क्या कलाकार लोग थे रे बाबू उस टाइम के यार, संगीत तक बना दिया यार देखो आप। अच्छा 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 ओहो ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा 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 सही है। पेड़ बेचते फिर रहे हैं दोनों, ये दोनों हाँ यही दिख रहा है मेरे को, तो इन्हीं को दिखाया एक एक मोटा एक पतला है हाँ। देखो देखो वो संगीत बज रहा है, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल। अरे वो लग रहा है मुझे ये क्रिसमस के आसपास का समय दिख रहा है। अरे मैं वो समझा, मैं बोला विद्या पेड़ है, विद्या पेड़ तो उसकी माँ। वो बेटा माँ ठीक है ठीक है ठीक बिल्कुल बिल्कुल खरीद लो खरीद लो पहली फुर्सत। सही है जी 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 जूते गाएगा, जूते गाएगा इसे इसे गिरा की होगी क्या उड़ा। अब मोटा बोल रहा है कि मैं करूंगा बात, तू नहीं करेगा, तो हमेशा लजवाता है मेरे को। पतलू थोड़ा गेल चुता है अबे ये क्या करा? चल अब कर। अबे वो मुझे फेंक दिया पकड़ने उसने गुस्से में। अरे मोटा भी भूंदू रे आगे से कोई देखा, मैंने आगे से गाड़ी चलो थी, पतले टायरों की गाड़ी है। बंगले में जाएंगे बेचने अभी। अबे मुझे तो वहां फेंक के आगे हाथ में चुप जाएगा कटक। भैया घूम के इधर तो नहीं आ गया कहीं हूँ घंटी बजेगी घंटी। अच्छा अच्छा औरत निकली बहुत मारेगी वही नहीं और बगाड़ शेगी अब जगह से मसल्ले मसल्ले। अच्छा मोटी मुझे हिटलर सरी की हो जैसे पूरा बॉप
चलो निकलो। हाँ अब भाई यहाँ मजा नहीं देगा। अरे काम बेकार हो रहा है। साइड में अंकल मेम्बो अरे नहीं लिया यार निकालो जुगाड़ कुछ हट चला वो फंस गया दरवाजा खुलना पड़ेगा वो मारेगा अरे कलब गया वो गया अरे बाप रे अब मारेगा तेरे को अब मत परेशान करना बहुत एवला फिर फंसा दिया चलो निकल ओ फेंक दिया ये ये बड़ा कर दिया था ना यार कभी पूरा फंसा दिया कभी कपड़े फंसा दिया कभी मुट्ठी फंसा दिया किसी को पेड़ों को खरीदने तो भी आएगी अब कौन सा आ जाएगा भैया ये तो बेटा हाँ बिल्कुल आ गया हाँ ओहो हो इतने लंबे लंबे सपने ताली जूते खाओगे रे उड़ा 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 लेके जा ले ले वो मार दिया अब्बा अब्बा बेड़ा करा चल सब बेड़ा करा कर दिया सारे लोग ले गिरा ने वही गरज के अरे परेशान कर दिया था उसको तो ये भी तो इसको परेशान कर जाएगा यार लगाएंगे अब दिमाग की चाकू मकान नंबर ही तोड़ मारा उन्होंने जाओ वो क्या कर रही है क्या कर रही मारा रे मारा गंजे के चार बाल थे वो शहीद कर दिए अब करेगा कुछ ना कुछ उठा पटक हाँ ले गया वो अरे घड़ी थोड़ी देर लगी यार क्या लो बहुत तगड़ा नुकसान कर दिए अब फिर भी तो वो इंद्रधनुष नहीं तो मरेंगे इनके इर्द गिर्द घूम रही चीजें यार और तो मैं आज तो घड़ी को कुछ के सच के अंदाज करा निकाल के लेगा जाओ चलो चलो या अब निकाल बोलो एम्बुलेंस बुलवा रही है तारे काट दिया उन्हें जाओ अब फोन ही तोड़ दिया वो फेंक दिया उन्हें जाओ
अब तो कुछ बदला लेना पड़ेगा। पानी गिला कर दिया। हम मारेंगे इसको। वो कहाँ छोड़ दे भाई। वो मुंह चुड़ा रहा उसको। बाकी तूने पागल नहीं है यार। अबे बोल। झगड़ा हो गया। गिरा भी गिरा भी। अरे क्या रहा? अब होंगे दो दो हाथ। बोला निकालेंगे हम। देले पे देला। तुम मत गिर जाना यार। वो कांच को वो गिलास वो गाड़ी का फोड़ दिया दरवाजा। अरे बाप रे बाप। वो गिर गिर जा रही हो। पहले निकाल मारा प्लीज। अबे कितना की देखने पूरा बॉब। अब क्या करेगा अबे? पुलिस अंकल ने देख लिया। अरे बाप रे। ओ तेरी गाड़ी अपनी सत्य पेड़ में फेंक दिया। सारे पेड़ उखाड़ दिए। जाओ जाओ। बरसाती भी निकाल मारी। पूरा बाप रे बाप। सवारी जैसा तेरा गाना वैसा मेरे बजाना। उप तू कांच फोड़ दिया। लगी दौड़ लगी दौड़। अब आएगा रजिस्टर लेके आओ। बाप पेड़ तोड़ दिया। जाओ अबे यार एक गाड़ी तू को तोड़। हम तेरे घर का सच्चे ने गाड़ी गंजी कर दी। गाड़ी खराब कर दी। उन्होंने पूरे अबे ना परगट तोड़ दिया सारा। वो खड़े रहे खड़े रहे जो रहने वाले कैसे देख रहा हो। गिर गया देख लिया। या उसकी माँ बेनी कर दी। बाप रे बाप। वो पेड़ गिर गया। ये अबे जब तक तुम आ जाओगे बाहर वो कार पूरी फोड़ देगा। पूरी गाड़ी खोल दे रहा तो यार। वो उसका घर खोल रहा है वो उसकी गाड़ी खोल रही है। वो पुलिस वाले एक चीज लिख दिया है। वो फेंक दी बाहर पेड़। पूरा बेस बाप रे बाप। पूरी यार बहुत बढ़िया करा अंदर। अब ऐसा नहीं हो बम से उनका घर फोड़ दे। सोफा सेट में क्या बात। जरा से काम शुरू हुआ था कहां आगे चलूंगा।
पुलिस वाला क्या देखता रहेगा कि आएगा भी? अब आएगा, वो सारे बर्तन फोड़ लिया और बाप तो कोई आस पकड़ के समझ रहे हैं। तो पुलिस वाला आ गया, अरे पीछे वाले लड़के थे पेके जा रही है। इसकी सब जल जाएंगे अभी। अब सूच पड़ी तेरे को पुलिस वाला खड़ा हुआ। अब माँ से चुपचाप उठा ले अब तो जोड़ी आओ जोड़ी आओ अब घुस देगा घुस वो तो पागल हो गया। ले गया इसको, शुरुआत तो नहीं करी थी मोटू पतलू ने। तुम बताओ क्या हुआ? रो लिया किसी एक्टर वास्ते कम नहीं है वो, रो रही है पुलिस वाला। अब तू भी रोते है जबरदस्त कॉमेडी है स्कीम, सबको रुला दिया उन्होंने। तुझे को बधाई दे रहा मेरी क्रिसमस। लगाओ दौड़, जबरदस्त यार। वो सही है, वो सही, वो सही। अबे यार क्या बताएं साहब, इसमें तो वाकई में जान नहीं गई। रोना तो चले गया सिवाय हंस के पेट गया था, बोलने को बन नहीं रही। इतने बेहतरीन, इतने शालीनता से, इतने बेहतरीन कॉमेडी। मकान में मैंने क्या तरीके से उन्होंने जैसे वो जवाब दिया है, एक से बोलो एक इतनी बेहतरीन कलाकारी साहब जिंदगी में प्याज पहली बार देखी मैंने। बाबू भाई अगर ये इत्मीनान से सुकून से अकेले में बैठे हो मूड में तो ये नहीं रोते हुए इंसान को हंसा दे। ऐसे कॉमेडी थी, मैं कह रहा हूँ नहीं कि ना जो उन्होंने कुछ बोला ना कोई कहना, सिर्फ हाथ और आँख और मुंह अदाकारी, सिर्फ अदाकारी करी है। नाथ रूपांतरण इतना शानदार फिल्माया है कि वाकई आप बोलते हैं कोई यार इंसान बोले गम में बैठा हुआ उसको हंसा देगा, खून बढ़ा देगा आपका। अरे लेकिन अगर आप किसी का जरा सा
नुकसान होता है तो अपने को कितना गुस्सा आता गया था, कैसे 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 कर दिया। अब इन्होंने जब उसका मकान तोड़ दिया, सोफे तोड़ दिया, पूरा सब तोड़ दिया, उसके बाद रुला दिया बाद में। आपको हंसी आ रही है लेकिन क्या बोलते कहते उनके कला चाहते देखो कि उन्होंने किसी का नुकसान भी करा तो अपनी अदाओं से, किसी को हंसाया भी तो अपनी अदा से, किसी को रुलाया भी तो अपनी अदाओं से। ऐसा जिस जमाने के मोटर गाड़ी देखा ही ऐसा हमारे जमाने में भी ऐसी गाड़ी वाले में आई थी उसमें तीन भैयों करने का किरदार करा था, उन्होंने ये वाला गाने गाया था, वो गाना सुना आपको। ओ मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, जो पार्टी जाएंगे भेलपुरी खाएंगे, अच्छी जाएंगे भेलपुरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आके फटाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, चौपाटी का पम पम पम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। धन्यवाद।